तो बच्चों चैप्टर नंबर 10 पे आ जाओ। पहले चैप्टर नंबर 10 में दो डेरिवेशन होती थी जो पेपर में आती थी। एक थी डिस्टेंस फॉर्मूला, एक थी फंडामेंटल लॉ। डिस्टेंस फॉर्मूला की डेरिवेशन अब बुक में नहीं है, तो ऑब्वियसली आएगी भी नहीं एग्जाम में, लेकिन फंडामेंटल लॉ जो है उसके डेरिवेशन बुक में है, तो ये पहले भी आती थी और अब भी डेफिनेटली आएगी। तो डेरिवेशन करना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, समझना है इसको कि किस तरीके से ये जो लॉ है ये आप आ रहे हैं, तो डेरिवेशन आपको याद रखनी है। अच्छी बात यह है कि जो एग्जैक्ट बुक की वर्डिंग है ये पेज नंबर 293 के एंड पे आपको मिलेगा फंडामेंटल लॉ, और पेज नंबर 294 के स्टार्ट में खत्म हो जाता है। तो हल्की फुल्की वर्डिंग जो है ये एग्जैक्ट बुक की आपने याद करनी है। मैं अलग से कोई वर्डिंग नहीं लिखवाऊंगा, मैं डेरिवेशन आपको समझाऊंगा। तो वर्डिंग आपने एग्जैक्ट बुक की कॉपी करनी है, जो बुक ने पूरा मेंशन किया हुआ है ना, और जो मैं उसको उर्दू में समझाऊंगा, जो उन्होंने इंग्लिश में लिखा मैं उर्दू में समझाऊंगा। तो एक दफा जब आप समझ जाओगे तो फिर आपके लिए याद रखना वर्डिंग इतना मुश्किल नहीं होगा जब आपने कॉन्सेप्ट समझा। ठीक है, इन केस वर्डिंग ऊपर नीचे हो जाए नंबर नहीं कटते, असल वो मैथमेटिकल स्टेप्स पे होते हैं और डायग्राम आपके अच्छे होने चाहिए, ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, तो अगर आप चैप्टर नंबर 10 को देखो, शुरू में उन्होंने रिविजन करवाई हुई है, जो मैंने आप लोगों को अभी तक दो क्लासेस में प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्री पूरी रिवाइज करवाई है, जो इधर मौजूद नहीं था उन्होंने सब बता दिया। अब जो टॉपिक आपका स्टार्ट है चैप्टर नंबर 10 का, वो सबसे पहला है फंडामेंटल लॉ, तो जरा उस पर आते हैं। ठीक है, अच्छा फंडामेंटल लॉ से पहले एक और लॉ है जो फॉर्मूला है, जो अब डेरिवेशन नहीं है लेकिन मेंशन किया हुआ उन्होंने और यूज भी होगा, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई यहाँ पे क्लास में ऐसा बच्चा बैठा हुआ है जो कहे कि सर मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला पता है क्या है, तो बुक से देख के नहीं बताना, अगर किसी ने पहले पढ़ा हो या यूज किया हो किसी ने, कोई है सर स्टूडेंट? सर एक्स कहाँ पे किया था? स्क्वायर रूट नहीं नहीं एक्स टू फॉर्मूला माइनस तो बता दोगे, अच्छी बात फॉर्मूला बता दो, यूज कहाँ पे किया था कहीं, वैसे ही याद है। सर दो यूज कोऑर्डिनेट गिवेन हो उसके उसका डिस्टेंस मालूम करने के लिए। हाँ तकरीबन सही बताया कि विलफर्ड, अगर आपके पास, मैं इसकी डेरिवेशन याद नहीं करनी है आपको लेकिन करवा रहा हूँ, क्यों, इसमें जो चीजें सीखने वाली हैं वो बहुत काम की हैं, बहुत फायदा होगा आपको, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन वर्डिंग याद नहीं करना आपको, बस कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रहा हूँ आपको कि डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट ये होता है कि दो पॉइंट आपको चाहिए, छोटी सी डेरिवेशन है, दो पॉइंट आपको चाहिए, कंसिडर कर लो एक पॉइंट यहाँ पे है एक पॉइंट यहाँ पे, इसको हम नाम दे देते हैं बिलफर्ड, इसको ए का नाम दे देते हैं, इसको बी का नाम दे देते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स में लेट कर रहा हूँ एक्स वन वाई वन, और इसके कोऑर्डिनेट में लेट कर रहा हूँ एक्स टू वाई टू। अब इसका मतलब, कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, अभी से सीख जाओ वरना सेकेंड ईयर में जाके सीखना पड़ेगा, कि जब भी पॉइंट्स के दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास होते हैं, क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं वो दो डायमेंशन में बात कर रहे हैं, मतलब एक आपका एक्स एक्सिस है और एक आपका वाई एक्सिस है, रियल लाइफ में तो थ्री डायमेंशन होता है लेकिन अभी सिंप्लीफाइड केस डिस्कस हो रहे हैं दो डायमेंशन के। तो आपका कोई भी पॉइंट है ना, उसकी पोजीशन शो करने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। बच्चों रियल लाइफ में भी अगर आप देखते हो, अगर आप लोग आज कराची में बैठे हुए हो या जिस भी शहर में आप लोग हो, कराची के ही हो गए ज्यादातर, तो जिस जगह पे आप लोग हो उसका लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है। अगर आपने साइंस की बुक्स में पहले जमाने में पढ़ा हो अपने छोटी क्लासेस में, तो लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता था। तीन चीजें हैं रियल लाइफ में, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और तीसरी चीज ऑल्टीट्यूड, ये आपकी पोजीशन को बताती है। अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं, मेरी पोजीशन क्या है, तो एक रेफरेंस सिस्टम पूरा बनाया गया है। कराची का लैटिट्यूड 24 पॉइंट समथिंग डिग्री है कुछ, तो कहने का मतलब आपको पोजिशन रिप्रेजेंट करने के लिए कॉर्डिनेट चाहिए होते हैं। अगर आप टू डायमेंशन में बात करो तो दो कॉर्डिनेट्स आपको चाहिए होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं, तो इसलिए मैंने एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू बोल दिया। सवाल ये कि एक्स वन क्या होता है, जो पहली वैल्यू आपके सामने लिखी हुई, ये किस क्या कौन सा डिस्टेंस होता है? बच्चों ये डिस्टेंस होता है कि ये पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये पूरा डिस्टेंस। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है मैं नीचे यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये पूरा डिस्टेंस एक्स वन है, ये पूरा डिस्टेंस, जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इस एक्स वन से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसी तरीके से इस पॉइंट और एक्स एक्सिस के दरमियान ये जो पूरा डिस्टेंस है ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, वाई वन से। तो वाई वन यहाँ पे क्या है, ये पूरा डिस्टेंस है। इसी तरीके से अब हम इस पे आते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स टू वाई टू। तो एक्स टू क्या है, ये इस पॉइंट और वाई एक्सिस के दरमियान ये पूरा डिस्टेंस, ये एक्स वैल्यू होती है एक्स टू। ठीक है, और वाई टू यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट और एक्स एक्सिस के दरमियान ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस, ये वाई टू होता है। तो ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू क्या होता है। अच्छा ये पूरी लाइन लिख के मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी है। शॉर्ट फॉर्म क्या है कि एग्जैक्ट इस पॉइंट के नीचे ना मैं यहाँ पे एक लकीर लगाता हूँ और मैं एक्स वन लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि ओरिजिन से लेके
यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा क्या एक्स वन के बराबर है। जैसे आप लिखते हो ना फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थ्री लिखते हो, तो थ्री का मतलब क्या होता है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस थ्री है, इसका कोई मतलब है। तो इस तरह लिखो या डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, एक ही बात है। इसी तरह यहाँ पे आप लिख दो कि एक्स टू है, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई वन। तो शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हो। अब आप डिस्टेंस फॉर्मूला करता क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस देता है। इसको इस तरह समझो, एक आप इधर खड़े हुए हो और एक आपका दोस्त है जहां भी खड़ा हुआ है, उनके दरमियान आपने डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला किस लिए यूज होता है, दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए। तो ये दो पॉइंट है, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है ये वाला। और यहाँ पे जो हम डिस्टेंस ले रहे हैं ना, ये फिजिक्स का डिस्प्लेसमेंट है। अगर आपने फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क पढ़ा हो, किसी को पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क? सर, डिस्टेंस स्ट्रेट पाथ नहीं होता और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट पाथ होता है, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो पॉइंट के दरमियान सबसे शॉर्टेस्ट। जैसे आपका घर, और कंसीडर कर लो आपके दोस्त का घर दो गली छोड़ के, सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है कि आप सीधा जाओ घरों के अंदर, घुस के अंदर उसके घर के अंदर चले जाओ, सबसे छोटा डिस्टेंस होगा ये। स्ट्रेट बिल्कुल सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, घरों के अंदर तो घुस से कैसे जाओगे, तो फिर आपको गली से अंदर टेढ़े मेढ़े रास्ते से जाना पड़ता है। तो डिस्टेंस क्या होता है कि बस आपने टेढ़े मेढ़े रास्ते से लंबा रास्ता जो है वो कर लिया। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक स्ट्रेट बिल्कुल डायरेक्शनल होता है कि इस पॉइंट से लेके वहां तक का डिस्टेंस। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, कंसीडर कर लो ये वही डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस वो नहीं है जो आपने फिजिक्स में पढ़ा था, ये डिस्प्लेसमेंट ही आप इसको कह लो। क्या दो पॉइंट्स के दरमियान सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। लॉन्गेस्ट क्या हो सकता है, आप घूम फिर के यहाँ से आगे इधर जाओ, या आप यहाँ से निकल जाओ इधर टूर फिर के पूरा दोबारा आ जाओ इधर, वो आपका लॉन्गेस्ट हो जाएगा, लेकिन हमें शॉर्टेस्ट चाहिए। अब ये वाली चीज हम कैसे निकालेंगे, हमें एक बेसिक सी बात पता है, हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। कैसे, आप इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ड्रॉ कर दिया, यहां से आप इस तरह कर लो, ये आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। मैं इसको थोड़ा डॉटेड डॉटेड कर डैश डैश कर देता हूँ खूबसूरती के लिए। ठीक है, ये वही जो डैश डैश है ना पूरा एक्स वन है, और ये पूरा वाई वाई वन है, इसी तरह ये जो है पूरा वाई टू है, ये पूरा एक्स टू है, वैसे ये खूबसूरती के लिए इस तरह बनाया है। अच्छा, हमने क्या किया, हमने ये लाइन बना के ना राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। हम इस राइट एंगल ट्राइंगल की कौन सी साइड मालूम करने में इंटरेस्टेड है, जरा मुझे ये बता दो। ट्राइंगल की तीन साइड होती है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। इस राइट ट्राइंगल की कौन सी साइड मालूम करने में हम इंटरेस्टेड है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। एक्सीलेंट, हमें ये चीज चाहिए, इसकी लेंथ क्या है, हमें इन दो से गर्ज कुछ नहीं है, हमें इससे गर्ज है। लेकिन इसको निकालने के लिए हमें बाकी दो पता होनी चाहिए, क्योंकि तीन साइड में दो पता होंगी तो तीसरी निकालोगे। क्वेश्चन बता सकते हैं ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा, X1 - X2। एक्सेलेंट। एक्स वन माइनस एक्स टू कैसे आया, अभी आप लोग बता दोगे। कंसीडर कर लो पूरी लेंथ फाइव है, ये पूरी लेंथ टू है, तो कोई बता सकता है ये कितनी लेंथ है? थ्री। थ्री कैसे बता दिया फौरन, हालांकि दिमाग में क्या चल के आ रहा है, दिमाग में किया क्या है, फाइव माइनस टू, यही तो किया है, तो डायरेक्ट बता दिया था। तो यहाँ पे भी तो यही कर रहे हैं, ये पूरा एक्स वन है, ये पूरा एक्स टू है। तो अगर मैं ये आपसे पूछूं ये डिस्टेंस क्या है, तो आप क्या करोगे, बड़े में से छोटा वाला माइनस कर दोगे, पीछे ये वाला आ जाएगा। तो ये जो पूरा छोटा सा डिस्टेंस है ये वाला, ये किसके बराबर है, एक्स वन माइनस एक्स टू के बराबर है। सेम यही कॉन्सेप्ट लगाना, ये पूरा वाई वन है, ये पूरा वाई टू है, तो अगर इस पूरे वाई वन में से ये वाई टू वाला पार्ट हटा दो तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा जो यहाँ पे है, उसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वाई वन माइनस वाई टू। ठीक है, तो अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, आपको बेस परपेंडिकुलर मिल गया, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बेस ही मिल गया आपको, आपको क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज डायरेक्ट आ जाएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में कोई शर्त नहीं है, आप किसी को भी बेस ले लो, किसी को भी परपेंडिकुलर ले लो, इस फॉर्मूले के अंदर कोई मसला नहीं है। वैसे आपने मसला होता है अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहे हो, लेकिन इस फॉर्मूले को कोई गर्ज नहीं है। ये कहता है कि हाइपोटेन्यूज को बिलफर्ज हम डी लेट कर लेते हैं, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, डी के बराबर। ठीक है, बेस कंसीडर कर लो, अगर आप ये ले रहे हो तो ये हो जाएगा एक्स वन माइनस एक्स टू, बेस का डिस्टेंस क्या है, एक्स वन माइनस एक्स टू, और बेस का स्क्वायर करना है आपने। इसी तरह परपेंडिकुलर क्या है, वाई वन माइनस वाई टू, और आपने इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं निकालना, आपको जस्ट डिस्टेंस निकालना है।
तो आप यहाँ पे क्या करो, स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। और ऑब्वियसली अब ये कोई बोलना नहीं कि सर प्लस माइनस नहीं लगाया आपने, आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, ऑब्वियसली सेंस बना रहा है कि डिस्टेंस पॉजिटिव भी होगा, तो मैं नेगेटिव क्यों लगा, प्लस माइनस यहाँ पे नहीं लगाऊंगा मैं, ये बच्चों कहलाता है डिस्टेंस। इसको नॉर्मली यहाँ पे डिस्टेंस को ना इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जाता है कभी, ये बताने के लिए कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, यहाँ से तो आपके पास प्लस माइनस वैल्यू भी आएगी ना, लेकिन डिस्टेंस आपने हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो बच्चों ये डिस्टेंस फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिख दिया, अब बुक में जस्ट ये मेंशन किया हुआ था, अगर मैं डायरेक्ट ये बताता तो आप लोगों को पता नहीं चलता कहाँ से आया, साथ साथ आप लोगों ने कुछ बातें भी सीख ली, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अच्छा इसमें मैटर नहीं करता आप एक्स वन माइनस एक्स टू करो या एक्स टू माइनस एक्स वन करो, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को इस तरह लिखूं कोई इशू नहीं है, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, क्योंकि फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि ये करने से फर्क क्या होगा, जैसे अगर एक्स वन माइनस एक्स टू कंसिडर कर लो फाइव है तो एक्स टू माइनस एक्स वन क्या होगा, माइनस फाइव, मतलब ऑर्डर चेंज करने से नेगेटिव आएगा, बस वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा बस साइन पे फर्क पड़ेगा। तो है तो स्क्वायर, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, जब स्क्वायर करोगे तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो दैट्स व्हाई डिस्टेंस फॉर्मूला इस तरह लिखो या इस तरह लिखो कोई फर्क नहीं है, वजह ही क्या है क्योंकि वो स्क्वायर लगा हुआ है, अगर स्क्वायर ना होता ना यहाँ पे तो फिर ऑर्डर मैटर करता होता। किसी का यहाँ तक कोई सवाल? नो सर। नहीं है, चलो अब ये बुक में मेंशन नहीं था लेकिन अब देखो ये भी मुझे बताना पड़ा है। तो अच्छा इसको इस तरह भी कभी ले लेते हैं, जो डिस्टेंस है ना डी जो है, ये दो पॉइंट कौन कौन से थे, ए और बी था ना, तो इसका सिंबल इस तरह भी लिखा जाता है, ए बी बताया जा रहा है कि ए और बी के दरमियान डिस्टेंस, और इसके ऊपर लाइन भी लगाई जाती है, उन्होंने लगाई भी है क्या, लेकिन हाँ लगाई भी है लाइन इस तरह। तो ये जो वर्टिकल बार है ये रिप्रेजेंट कर रही है डिस्टेंस को, और ये जो मैंने ऊपर बार लगाई हुई है कोई बता सकता है इसका मतलब क्या होता है, जो ए बी के ऊपर लगाई गई मैंने बार? लाइन नहीं, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ऐसे, लाइन और लाइन सेगमेंट में फर्क होता है, लाइन जो है वो इनफाइनाइट होती है, जैसे एक्स एक्सिस है ये दोनों तरफ से इनफाइनाइट है अच्छा ठीक है, लेकिन ये लाइन जो है ये इनफाइनाइट नहीं, ये दो पॉइंट्स के दरमियान है, ना इधर हो सकती है ना इधर हो सकती है, तो जो दोनों तरफ से लाइन बाउंड हो उसको आप कहते हो लाइन सेगमेंट, और जैसे एक्स और वाई एक्सिस होते हैं ये सिंपल लाइन है, दोनों तरफ से बढ़ सकते हैं, जितना बढ़ाना चाहो बढ़ा लो इनको, तो ये वो सिंबल बनाया हुआ है लाइन सेगमेंट का। बस ये पेपर में नहीं आएगी ना, मैंने इसकी वर्डिंग कुछ भी नहीं लिखवाई, कॉन्सेप्ट के लिए थी, अब जो कमाने लगाऊ ये पेपर में आएगी, मैं इसको समझा रहा हूँ, और जो बुक की वर्डिंग है एज इट इज आपने वही याद रखनी है और उसको समझ के याद रखना है। तो कौन सा फॉर्मूला हम पढ़ने लगे उसको आप कहते हो फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस लॉ की वजह से आपकी ट्रिग्नोमेट्री काफी आसान हुई है। अब इस लॉ को प्रूफ कैसे करना है, कौन सा लॉ है, मैं पहले डेरिवेशन इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। एक सवाल पूछता हूँ, कितने मसला बच्चे हैं, इंटेलिजेंट कितने हैं यहाँ पे, मसला छह बच्चे हैं, जरा देखते कौन जवाब देते हैं। खैर अगर मैं आप लोग से बोलूँ ये चीज मुझे जरा बताओ तो उसको आप लोग सॉल्व कैसे करोगे, क्या स्ट्रेटेजी होती है? सर पहले एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे फिर एक्स को जेड से करेंगे, या फिर पहले वाई नो, जेड करेंगे और एक्स से मल्टीप्लाई। ये बहुत इजी काम लगता है, ये तो बच्चों वाली चीज है ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड ये सब वेरिएबल्स हैं, एक चीज अपने जहन में रखो मैथ के अंदर ये बात बहुत ही कम बच्चों को पता है, उनको वेरिएबल और ऑपरेटर इसमें फर्क समझ नहीं आता, वो वेरिएबल और ऑपरेटर को एक साथ ही समझते हैं। अब ये ऑपरेटर क्या होता है, जैसे आपने लॉग देखा होगा ना, अगर ये लिखा हुआ हो ये वेरिएबल नहीं है, जैसे एल ओ जी लिखा हुआ है, या खाली आप एल को ओ को जी को आप अलग अलग वेरिएबल कंसीडर करो, नहीं ये लॉग वेरिएबल नहीं है, ये ऑपरेटर है। ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, जो ऑपरेट हो, फॉर एग्जाम्पल एडिशन जो है ये एक ऑपरेटर है, बस फर्क क्या है, एडिशन के लिए आपको दो नंबर चाहिए होते हैं लेकिन लॉग के लिए आपको बस एक नंबर चाहिए,
ये फर्क है इन दोनों ऑपरेटर में, ये भी ऑपरेटर है, ये भी नंबर्स के ऊपर ऑपरेट होता है, किस तरीके से कि दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर देगा ये, और ये भी ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर है, लॉग ऑपरेटर है, लेकिन इसके लिए आपको एक नंबर चाहिए होता है, इस एडिशन के लिए आपको दो नंबर चाहिए होते हैं, ये दोनों ऑपरेटर। अब मैं आपको ये क्यों बात बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज जो हमने यहाँ पे पढ़ी हुई है ना, ये हम बाकी जगहों पे भी अप्लाई कर रहे होते हैं। कैसे बिलफर्ज, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यार मुझे बताओ इसको जरा सिंप्लीफाई करो, तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे अभी तक की जो मैथ पढ़ी है? हाँ बताओ, लोग एक्स प्लस लोग वाई। सब एग्री करते हैं इस बात से, किसी और के पास कुछ और कहना? नो सर, क्यों? लॉग एक्स डिवाइड बाय लॉग जेड। अच्छा यहाँ आया बंदा, लॉग एक्स डिवाइड बाय लॉग जेड, यही कह रहे हो, यही कह रहे हो ना, नहीं सर, डिवाइड नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कर सकते, क्वेश्चन है भाई, जो तुम कहोगे वैसे ही होगा, लॉग एक्स मल्टीप्लाई लॉग जेड, दोनों गलत है। ये मुझे बताओ किसने प्रॉपर्टी बताई है आपको इसका, तो इस पे तो बात होता है, उसकी तो मुझे रीजन पता है उसने क्यों बताया, आपने जवाब क्यों दिया है, किस रीजन के तहत? प्रॉपर्टी है ना लॉग की, नहीं लॉग की नहीं होती ना प्रॉपर्टी, लॉग की ये प्रॉपर्टी है, अगर यहाँ पे लॉग एक्स वाई लिखूं, दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो और उसका इन दोनों में फर्क है, फर्क क्या है इसमें, आप एक्स का लॉग ले रहे हो, जेड का लॉग ले रहे हो, मतलब दोनों नंबर का अलग अलग लॉग ले रहे हो, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो, और यहाँ पे क्या कर रहे हो, पहले उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर लॉग ले रहे हो, फर्क समझ आया इन दोनों में? यस सर। इसकी प्रॉपर्टी है कि जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और फिर आपने लॉग लेना है, तो आप क्या करो, पहले लॉग लिखो उसके साथ एक्स लिखो, प्लस लॉग लिखो उसके साथ वाई लिखो, ये करेक्ट प्रॉपर्टी है जो मैथ ने आपको बताई है, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है, इसको कोई फॉर्मूला नहीं जिसके तहत आप सॉल्व करोगे ना, आप इस पे ये लगा सकते हो, और ये लगाने की क्या वजह है, वो ये वजह जो मैंने ऊपर लिखी है कि हमें आदत है कि हमें जब भी कोई बाहर चीज नजर आती है ना, अंदर ब्रैकेट नजर आती है, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है तीन टर्म है, हमारा सबसे फेवरेट काम है, हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आसानी से, लेकिन ये वेरिएबल के अंदर होता है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हो, ये वेरिएबल्स के अंदर है, लॉग इज नॉट अ वेरिएबल कि जो आप मल्टीप्लाई करो एक्स से, कि लॉग को एक्स से मल्टीप्लाई किया, लॉग को वाई से मल्टीप्लाई किया, ये जेड मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, वाई होना चाहिए, ठीक है, कोई लॉग वेरिएबल नहीं है कि आप इस तरह अलग अलग उनको मल्टीप्लाई करोगे, इन चीजों को जरा समझो आप लोग, कि ऑपरेटर और वेरिएबल में फर्क होता है, अब ये बातें बुक में नहीं लिखी हुई, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन मुझे बताना है क्योंकि बाद में सीखोगे, धक्के खा के अभी सीख लो, इसी तरीके से जैसे साइन, ये कॉस का फॉर्मूला है, अब यहाँ पे किसी के जहन में आ सकता है सर अगर कॉस अल्फा माइनस बीटा पे इतनी लंबी करने की क्या जरूरत है, हम कॉस को अल्फा पे अप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस आएगा, कॉस को बीटा पे करेंगे, ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता ऑपरेटर्स के अंदर, आप ऐसा, अच्छा हर ऑपरेटर के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ऑपरेटर हैं जिनके अंदर आप ऐसा कर सकते हो, वो आप लोग सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, लिमिट हो गया, डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रल हो गया, उन सब में ऐसा काम कर सकते हो, लेकिन इन ऑपरेटर में आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो हर ऑपरेटर की अपनी इस प्रॉपर्टी को आप बोलते हैं लीनियरिटी, अगर किसी को शौक हो तो सर्च कर लेना, लीनियरिटी प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर आप इन दोनों नंबर पे अलग अलग अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फिर भी वर्ड अप्लाई का बोला जाता है, मल्टीप्लाई का वर्ड यूज नहीं करता, बिलफर्ज कंसिडर कर लो अगर ऐसा पॉसिबल है, फिर भी आप ये नहीं बोलोगे लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स से, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर, ऑपरेटर का भी मल्टीप्लाई नहीं होता, अगर आप लोगों को याद हो आपने हमेशा वर्ड ये लिखा होगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, कभी किसी ने पढ़ा है ये मल्टीप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड? नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ऑपरेटर को मल्टीप्लाई नहीं करते, तो ये वर्डिंग भी गलत यूज होती है मल्टीप्लाई की जो बच्चे यूज करते हैं, और दूसरी बात हर ऑपरेटर पे आप ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते, तो इस पे कॉस पे जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती, जितने लॉग फंक्शन है उन पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती, हाँ कुछ ऑपरेटर है जिन पे हो सकती है, वो इंशाल्लाह बाद में पढ़ोगे, अभी ऐसा कोई ऑपरेटर फर्स्ट ईयर में मुझे नजर नहीं आया आप लोगों का, ठीक है, तो ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन थी, ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला आया था ना, तो मैंने कहा आप लोग कहो के डायरेक्ट लिख दे सर इतनी लंबी करने की क्या जरूरत है, तो वो मैंने आप लोगों को क्लियर किया, ठीक है, और अगर मजीद चेक करना चाह रहे हो कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो कैलकुलेटर में वेरीफाई कर लो, सिंपल ये कॉस 60 डिग्री है ना, आप इसको ब्रेक कर दो 30 + 30 में, कॉस 60 की आपको वैल्यू पता है 1/2 होती है, सब बच्चों को मैंने कल याद करवाई हुई है, कॉस 60 1/2 होता है, आप 60 को ब्रेक करो 30 + 30 में, और इस पे यही वाला काम कर दो, आप लिखो कॉस 30 + cos 30 करके देख लेना, इसका आंसर कुछ और आ रहा होगा, ये कुछ और है, इसको सॉल्व करोगे होगा √3/2 + √3/2, यहाँ पे आंसर आ रहा होगा √3, जबकि यहाँ पे आंसर आ रहा है 1/2, तो cos 60 इसके बराबर होते ही नहीं है।
आप ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। सही है, यहां तक किसी का कोई सवाल? नो सर। बाकी भी बोल लिया कर यार थोड़ा। नो सर। ऐसा स्क्रीनशॉट ले लो, शायद इसका काम आ जाएगा। तुम लोग यकीन नहीं करोगे यार, ये छोटी छोटी बातें जो है ना, लिटरली यकीन नहीं करोगे, मास्टर्स ने सीखी है। मास्टर्स में हमें कितने अच्छे टीचर मिले थे कि आप उनको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उन्होंने हमें बातें बताई थी। एक मास्टर्स का बच्चा, पाकिस्तान में एजुकेशन का इतना बुरा हाल है कि यहाँ पे हम निकल ही नहीं पा रहे पास पेपर से। जिस सेंटर में जाओ, जिस टीचर से पढ़ो, पास पेपर की तैयारी इंपॉर्टेंट बता दें, फिर बच्चों की भी वैसी तरबियत है। हजारों मैसेज आते हैं, सर इंपॉर्टेंट क्या पेपर से पहले, सर इंपॉर्टेंट बता दें, गेस्ट पेपर बता दें। हमारा एजुकेशन कल्चर इतना इन चीजों में फंस गया, खासतौर पर सिंध बोर्ड का, कि मैं कभी तंग आ जाता हूँ कि चल क्या रहा है मार्केट में। बुक इतनी अच्छी की है, अब ये बातें बच्चों को पता ही नहीं है, बाद में धक्के खा खा के पता नहीं मास्टर्स में कब सीखेंगे। मास्टर्स हर कोई करते ही नहीं है। सोचो आप लोगों ने इस लेवल पे सीखी है, मैं मास्टर्स में मतलब 16वीं जमात में सीखा जाके मैंने, और आप लोग अभी 11वीं जमात में। तो इसलिए कोशिश किया करो, सीख लिया करो, सिर्फ फर्स्ट ईयर पास करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैथ काफी काम आएगी आप लोगों के। अगर आप लोग इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो फिर तो बहुत काम आएगी। पर खैर अब बहुत टाइम हो गया, अब इस पे जरा डेरिवेशन देख लेते हैं। बुक में इसकी डेरिवेशन लिखी हुई है, मैं एज इट इज आप लोगों को उसकी वर्डिंग समझाऊंगा। उससे पहले एक डायग्राम बनानी है, तो मैं डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे। कल की क्लास में बच्चों मैं एक बड़ी डायग्राम बनाता हूँ, समझने में थोड़ा मसला हो सकता है आप लोगों को। कल मैंने आप लोगों को ना क्लास में यूनिट सर्किल के बारे में बताया था, कोई जल्दी से यूनिट सर्किल से रिलेटेड दो बातें बता सकता है मुझे? सर यूनिट सर्किल का रेडियस 1 होता है। ये तो एक बात होगी। दूसरी बात, कल मैं नहीं आया था। अच्छा ऐसा कोई और बता दो। सर्किल सही बना थोड़ा यार। यूनिट सर्किल जो हम ले रहे होते हैं ना, उसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर होता है। वैसे अगर आप लिटरली यूनिट सर्किल बोलो तो उसका मतलब रेडियस 1, लेकिन हम जो यूनिट सर्किल लेते हैं उसका मतलब कि जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो और उसका रेडियस 1 हो। तो सेंटर ओरिजिन के ऊपर है सर्किल का और रेडियस 1 है, मतलब ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा, 1 के बराबर। सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है ना, तो ये पूरा क्या होगा, 1 के बराबर। इसी तरह ये हो जाएगा -1, डायरेक्शन नेगेटिव है, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1। खैर इस डेरिवेशन में इसका कोई खास काम नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ। डेरिवेशन कहती है कि आपने एक यूनिट सर्किल लेट कर लेना। उसके बाद मैंने कल भी आप लोगों को बात बताई थी कि यूनिट सर्किल ने आपके लिए बहुत आसानियां की हैं। ट्रिग्नोमेट्री अगर सिर्फ राइट एंगल से डिस्क्राइब करोगे तो वो तो मैक्सिमम जो एंगल है राइट एंगल में वो 90 डिग्री होता है, फिर क्या करोगे। तो हमने यूनिट सर्किल से 90 डिग्री से आगे हम गए हैं कि 120, 130, 240 कुछ भी आपने करना कर सकते हो। इसी तरह नेगेटिव में भी आप जा सकते हो, ये यूनिट सर्किल का काम था। और किस तरह वो वैल्यूज देता है, आपने कोई भी एक पॉइंट पिक करना है। कंसिडर कर लो, एक पॉइंट मैं यहाँ पे पिक करता हूँ, एक पॉइंट मैं यहाँ पे पिक करता हूँ। ये मैंने इसलिए यहाँ पे पिक किया क्योंकि बुक वालों ने पिक किया है। मैं आप दूसरा पॉइंट यहाँ पे पिक कर सकते हो, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बुक ने किया है मैं उसके मुताबिक कर रहा हूँ। तो कंसिडर कर लो, इस पॉइंट को मैं पी बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं क्यू बोल देता हूँ, ठीक है। अब इस पी को आप ज्वाइन कर दो ओरिजिन से, और इस क्यू को हम थोड़ा साइड भी लेते हैं। आप लोग ये ना समझो कि मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में क्यू लिया है। कंसीडर कर लो यहाँ पे ले लेते हैं क्यू को, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो। ये जो इनके कोऑर्डिनेट्स है ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज देंगे। कल ही मैंने बताया था कि कंसीडर कर लो ये पूरा एंगल जो है ये थीटा बन रहा है। बुक ने यहाँ पे अल्फा की वर्डिंग यूज की है, बुक ने इस एंगल को क्या लिया है, बीटा लिया है, ठीक है। तो कंसीडर कर लो ये एंगल बीटा है। मैं एग्जैक्टली बुक की वर्डिंग फॉलो कर रहा हूँ, जो नोटेशन हर चीज यूज की थी उन्होंने। तो कंसीडर कर लो ये एंगल बीटा है। तो मैंने कल भी बताया था यूनिट सर्किल पे कोई भी आपने एक पॉइंट पिक किया, जो वो एंगल बना रहे हैं, कंसीडर कर लो यहाँ पे एंगल बीटा बन रहा है। तो जो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स और वाई। ये जो एक्स वैल्यू होगी ये आपको किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू देगी, कॉस थीटा। एक्सीलेंट। मैंने कल ही ये बात बताई थी कि कोई भी पॉइंट आपने यूनिट सर्कल पे पिक किया, वो जो पॉइंट जब आपने ओरिजिन से ड्रॉ किया, ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल पे कॉस की क्या वैल्यू होगी, ये आपको एक्स वैल्यू बता देगी। जो एक्स वैल्यू है वो यहाँ पे मानी जाएगी कॉस की वैल्यू, यही तो फायदा है यूनिट सर्किल का। और जो इसकी वाई वैल्यू है वो आपको बताएगी साइन की वाई वैल्यू इस बीटा एंगल पे।
ठीक है, तो मैं इसको मॉडिफाइड करके लिख रहा हूं। मैं क्या लिख रहा हूँ कि एक्स वैल्यू मुझे बता रही है कॉस की इस एंगल के ऊपर, और वाई वैल्यू मुझे क्या बताएगी, साइन की वैल्यू। मैं लिख रहा हूँ साइन बीटा। तो जो यहाँ पे एंगल था उस एंगल पे आपको कॉस और साइन की वैल्यूज मिल जाएंगी अगर आप इनके कोऑर्डिनेट देखोगे। ये मैंने कल ही आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर किया था और वजह भी बताई थी क्यों, क्योंकि जब आप एक ट्रायंगल बनाओगे इसका हाइपोटेन्यूज जो वन होगा क्योंकि यूनिट सर्कल है ये, तो सिंपल इनके फॉर्मूले आ जाएंगे। ये मैंने कल डिटेल में क्लियर किया था। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इस क्यू पॉइंट की बात करूं, लेट कर लो इस क्यू का एंगल क्या बन रहा है, कर लो कंप्लीट के पूरा एंगल यहां तक अल्फा बन रहा है। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट बता सकते हैं इस क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स एंड वाई। एक्स और वाई तो जनरलाइज है ना, स्पेसिफिक आप बताओ क्योंकि यूनिट सर्किल है ये। एक्स और वाई कुछ चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। कॉस बीटा साइन बीटा। रट्टा ना मारो, थोड़ा सा मॉडिफाई करो ना इसको। नहीं, हर जगह बीटा नहीं आएगा, आपने देखना है वो एंगल क्या बना रहा है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट जब आपने ज्वाइन किया था एंगल क्या बना रहा था? हाँ, यहाँ पे एंगल बीटा बन रहा था, लेकिन जब आपने क्यू को ज्वाइन किया ओरिजिन से, ये जो पूरा एंगल बन रहा है क्या है? अल्फा। तो अब अल्फा लकीर के फकीर नहीं बनना, बीटा नहीं लिख देना, अल्फा होगा। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा। बुक से देखा था। नहीं, बुक में नहीं लिखा होगा, पॉसिबल ही नहीं है। वो कहा लिखा हुआ है बुक में? नीचे देखो, कॉस अल्फा साइन अल्फा लिखा हुआ है क्यू में, बुक में कहा है? ठीक है, तो अब ये डिपेंड करेगा, यहाँ पे एंगल बीटा बनाया तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कॉस बीटा साइन बीटा, और इस पूरा एंगल यहाँ तक अल्फा है तो इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये करने के बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपल क्या करना है, हमें पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। उसके बाद हम ये फंडामेंटल लॉ जो है इसको पूरा प्रूफ कर लेंगे। तो पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस क्या होगा? अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहो तो आप एक लाइन बना सकते हो पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक। बुक ने हमें बनाई भी नहीं है ताकि डायग्राम गंदी ना हो, ये बनाई हुई है इन्होंने, बनाई हुई है और डैश डैश करके बनाई हुई है उन्होंने। चलो मैं भी बना देता हूँ आप लोगों के सामने। तो बच्चों आपने सिंपल क्या करना है, इस पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है, और डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, ये वाला पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस। तो जरा मालूम करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस। तो फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, एक्स वन माइनस एक्स टू, कंसिडर कर लो ये एक्स वन वाई वन है, किसी को भी आप एक्स वन वाई वन ले सकते हो। इसको एक्स वन वाई वन ले लो, इसको एक्स टू वाई टू ले लो। तो एक्स वन है यहाँ पे कॉस बीटा, माइनस एक्स टू यहाँ पे क्या है कॉस अल्फा, प्लस फिर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन है यहाँ पे साइन बीटा और वाई टू यहाँ पे क्या है साइन अल्फा, और आपने स्क्वायर करना होता है ना। ये आपने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फिलहाल इसको हमें सिंप्लीफाई नहीं करना क्योंकि अभी सिंप्लीफाई करोगे खास कर नहीं पाओगे, तो इसको ऐसे ही रहने दो। मैं बाद में बुक की ना पूरी वर्डिंग आपको बताऊंगा, अभी पहले समझ लो सर इसको। ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये सर ट्रिकी काम आपकी है। बहुत अटकती है। नहीं, अटकनी नहीं चाहिए, बाकी किसी की अटक रही है? नो सर। बाकी जब अटकती है तो मुझे पता चल जाता है, बिल्कुल भी नहीं अटक रही होगी। अगर आपकी अटक रही है ना तो कोई इंटरनेट कनेक्शन आपका इशू हुआ होगा, अगर कोई पॉइंट मिस हो जाए ना तो रिकॉर्डिंग से देख लेना कोई पॉइंट। सही है, तो माइक्रोफोन बंद कर दो, आपका ऑन है। ठीक है। अब मेरी तरफ से तो यार मैंने बताया मेरा 35 Mbps का, तो मेरे चांसेस बहुत ही कम है, कभी बीच में हल्की फुल्की अटक जाएगी वरना नहीं अटकता मेरा। जाहिर सी बात है मुझे लगाना है अच्छा, आप लोगों की तरफ से अगर होता है तो रिकॉर्डिंग में है, अगर कोई पॉइंट मिस हो जाए तो चलो देख लेना उससे। अब जो मैं काम करने लगा हूँ ना वो ट्रिकी काम है, तो आप लोगों ने जरा गौर से समझ रहे हैं उसको, क्योंकि कुछ पॉइंट पे आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ता है पूरा। अच्छा, नॉर्मल जो नेमिंग करते हैं ना हम, वो इस तरह नेमिंग करते हैं कि ये है, इसको आप एक्स और वाई एक्सिस बोलते हो, और जो नेगेटिव वाला हिस्सा है उसको आप एक्स प्राइम बोल देते हो, इसी तरह वाई एक्सिस का नेगेटिव वाला जो पार्ट है उसको आप वाई प्राइम बोल देते हो। नॉर्मली आप नेमिंग इस तरह करते होते हो। अब हमने करना क्या है यहाँ पे? अच्छा, मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है ये जो पॉइंट मैंने बनाया हुआ है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोई बता सकता है? 1,0 जीरो कैसे आया यहाँ पे? वन का तो समझ आ गया, डिस्टेंस जीरो कैसे हुआ ये? सर, वाई डिस्टेंस 0 है। एक्सीलेंट, जब पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होता है तो उसकी जो वाई वैल्यू हमेशा जीरो होती है। तो अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप लोगों से बोलूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1,0 होंगे। ठीक है, अब देखो मैं अब जो चेंजिंग करने लगा हूं, असल चीज क्या है,
ये जो मैंने मालूम किया है ये पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस है, पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस निकालो ना मैं। अब जो मैं इस ग्राफ के अंदर चेंजिंग करने लगा हूं वो चेंजिंग इस डिस्टेंस को चेंज नहीं करेगी, ये डिस्टेंस अभी भी वैसे ही रहेगा, बस कोऑर्डिनेट्स को चेंज करेगी, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पी और क्यू के दरमियान अगर पहले भी ये डिस्टेंस था अभी भी यही रहेगा, तो तभी मैं बता रहा हूँ पहले और बाद में जो मैं डिस्टेंस निकालूंगा डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ मैं डायग्राम में थोड़ी चेंजिंग कर रहा हूँ, वो आपको भी बताता हूँ क्या चेंजिंग कर रहा हूँ, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ग्राफ में आपने क्या चेंजिंग करनी है? तो ग्राफ में आपने ये करनी है कि आपने एक्सिस को पकड़ के रोटेट कर देना है। अब इसका क्या मतलब है, ये जो एक्स और सिंपल एक्स और वाई पे फोकस करो, अभी ये एक्स है और ये वाई है, आपने क्या करना है, आपने इनको रोटेट करना है। ये दो रोटेट करना स्टार्ट कर दिया मैंने, इतना रोटेट करना है कि ये जो एक्स एक्सिस है वो इस पी लाइन के ऊपर आ जाए, ये जो पी लाइन है ना इसके ऊपर आ जाए। दोबारा बताता हूँ, ये स्टार्टिंग है ना एक्स और वाई एक्सिस की, आपने दोनों को रोटेट करना है, इतना करना है कि जो एक्स एक्सिस है ये एग्जैक्ट किसके ऊपर आ जाए, पी के ऊपर आ जाए। और अब आपके पास ये वाली शेप बनेगी जिसको मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, कि जो आपका एक्स एक्सिस है ये रोटेट होके पी के ऊपर आ गया, तो ये इस तरह एक्स एक्सिस है उसका। अब ये आपका एक्स एक्सिस बन गया। ठीक है, एक काम करो, इसको मैं नेमिंग नहीं करता, मैं इसकी नेमिंग करता हूँ, तो हम इसको एक्स प्राइम कह देते हैं। इस एक्स प्राइम का मतलब पहले एक्स एक्सिस यहाँ पे था, अब मैं रोटेट करके उसको पी के ऊपर बिल्कुल ले आया हूँ, तो ये एक्स प्राइम का मतलब रोटेट करने के बाद जो एक्स एक्सिस है। तो अगर मैंने एक्स को रोटेट किया तो वाई भी तो रोटेट हुआ है, जैसे मैंने आप लोगों को डायग्राम बताई थी ये है ना, तो जब आप एक्स को रोटेट करोगे तो वाई भी तो साथ रोटेट होगा ना, तो कंसिडर कर लो वाई यहाँ पे चला गया, इसको मैं वाई प्राइम बोल देता हूँ। ये वाला पॉइंट मुझे बताओ किसको समझ आया, सबको आ गया समझ? यस सर। एक्सेलेंट। अब कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि ये जो पी पॉइंट है, जो पहले पी पॉइंट था, अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1,1 0 1,0 होंगे यहाँ पे, क्यों? ये पॉइंट मैंने हिलाया नहीं है, इस पॉइंट में मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, अपनी जगह पे मौजूद है। इसी तरह मैंने क्यू के अंदर चेंजिंग की है, कोई चेंजिंग नहीं की, चेंजिंग इसके अंदर कर रहा हूँ, अब मैंने एक्स और वाई एक्सिस के अंदर चेंजिंग की है, पॉइंट्स अपनी जगह पे मौजूद है, और चेंजिंग होने का फायदा क्या हुआ, अब ये जो पी है ये एक्स एक्सिस के ऊपर आ गया, और आपको पता है कि जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उसकी वाई वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब इस पॉइंट के अब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1,0, जो पहले इस पॉइंट के थे सेम कोऑर्डिनेट्स अब वो इस पॉइंट के होंगे। क्यों? आप इसको इस तरह समझो कि पहले पॉइंट पी इस तरीके से था, ये पॉइंट यहाँ पे था, कंसीडर कर लो ये ओरिजिन है और ये पॉइंट है। ठीक है, अब आपका एक्स एक्सिस इस तरह पास कर रहा है यूं करके, तो इस तरह इसको इस तरह समझो कि अब आपका पी जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और आपने अभी पढ़ा था एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा उसकी वाई वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और एक्स वैल्यू क्या होगी भाई, सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस है ना, 1 के बराबर होगा क्योंकि यूनिट सर्कल है ये, तो एक्स वैल्यू 1 हो जाएगी, वाई वैल्यू 0 हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो एक्सिस रोटेट करने के बाद पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, अब मैं इसको पी प्राइम कह देता हूँ, वैसे ही आप लोगों को बताने के लिए, बुक ने तो यूज नहीं किया पी प्राइम, वैसे बताने के लिए कि रोटेट करने से पहले ये कोऑर्डिनेट थे, रोटेट करने के बाद ये कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई है, उम्मीद आ गई होगी। यस सर। अब एक और बात है, उसको आप देखते हैं कैसे आप लोग समझते हो, मुझे समझाना आता है, टेंशन नहीं लो, मैं समझा के छोड़ूंगा। पहले पॉइंट पी यहाँ पे था और क्यू यहाँ पे था, कंसीडर कर लो, अब जरा देखते हैं कौन बताता है। ये वाला एंगल है बीटा, ये वाला एंगल है पूरा अल्फा, क्वेश्चन बता सकता है पी से लेके यहां तक का एंगल क्या है? सबसे पहले ये जो बीटा है ये एक्स एक्सिस से लेके पी तक है, अल्फा क्या है, एक्स एक्सिस से लेके क्यू तक, मैं पूछ रहा हूं पी से लेके क्यू तक का एंगल क्या है? अल्फा माइनस। एक्सीलेंट भाई, अल्फा माइनस बीटा, कैसे पता चला मुझे? भाई देखो, अगर आप अल्फा की बात करो, अल्फा और ये वाला एंगल देखो, अल्फा जो है वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा था, आते आते फिर पी पे आया, पी से लेके दोबारा वो क्यू पे आया। ठीक है, तो ये जो एंगल है पी से स्टार्ट हो रहा है ना, स्टार्ट होकर क्यू पे खत्म हो रहा है, तो अगर आप देखो अल्फा और इसमें फर्क क्या है, अल्फा जो है वो एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा था और पी तक जा रहा था, फिर पी से आगे जा रहा था, जबकि ये डायरेक्ट ही पी से स्टार्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये जो एंगल है ना ये अल्फा से छोटा है, कितना छोटा है,
बीटा जितना, कि देखो अल्फा जो है वो बीट, ये जो है एंगल ये थोड़ा एक्स्ट्रा है इस एंगल के कंपैरिजन में, तो वो जो अल्फा में से अगर आप ये बीटा माइनस कर दोगे, ये वाला एंगल जो है माइनस कर दोगे, तो आपका पी से लेके क्यू तक का एंगल आ जाएगा। तो मेरी मेहनत रंग ले वहां पे बताता, शायद समझ ना आता, बहरहाल खैर अब तो समझ आ गया ना आप लोगों को। तो अब ये मैं आप लोगों को बता क्यों रहा हूँ, मतलब इसके बारे में मैंने क्यों बताया आप लोगों को, वो इसलिए बताया कि जब आपने एक्सिस चेंज किए हैं, अब आपका एक्स एक्सिस यहाँ पे आ गया, तो अगर आप क्यू के कोऑर्डिनेट देखोगे तो न्यू एक्सिस के मुताबिक देखोगे, तो एंगल भी आपका न्यू एक्सिस के मुताबिक बनेगा। तो अब आपका ये एक्स एक्सिस है, तो अगर आपने क्यू का एंगल बनाना है, क्यू का एंगल कैसे बनेगा, इस एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा और यहां तक आएगा क्यू तक, ठीक है। तो अब ये एंगल कैसे मुझे पता चला, ये एंगल मुझे पता है अल्फा माइनस बीटा है, क्योंकि अगर पहले एक्सिस में आपने मालूम कर लिया था ना भाई ये बीटा है, यहां से लेके पूरा यहां तक अल्फा है, तो पी से लेके यहां तक क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा। तो अब जो एक्सिस चेंज करने के बाद जो आपके पास एंगल आया है वो क्या है, अल्फा माइनस बीटा। तो एक्स एक्सिस से लेके इस क्यू तक का एंगल क्या है, अल्फा माइनस बीटा। ये बात यहां तक सब समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं बिल्कुल इसी डायग्राम के मुताबिक आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो। क्यू कंसिडर कर लो कि यहाँ पे है क्यू, अभी तक हमने क्या, ये एक्स प्राइम है, चेंज करने के बाद ये वाला पूरा एंगल अभी मैंने क्या बताया है, अल्फा माइनस बीटा है। तो कोई स्टूडेंट मुझे बताए कि न्यू कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक, इस न्यू ये एक्सेस और वाई एक्सेस जो बनाया ना, इसके मुताबिक क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सोचो। सर क्यू तो चेंज नहीं हुआ ना, नहीं क्यों, लेकिन उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए ना, कोऑर्डिनेट्स क्यों चेंज हुए, रेफरेंस आपका चेंज हो गया भाई। देखो रेफरेंस आपका पहले ये वाला एक्स एक्स था, रेफरेंस तो कोऑर्डिनेट्स उसके मुताबिक थे। इसको आप इस तरह समझ लो, बहुत अच्छे तरीके से आपको बात समझ आएगी। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ ना, बल्कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। अभी मैं अगर आपसे बोलूँ कि मेरा डिस्टेंस क्या है, तो आप लोग सबसे पहले पूछोगे मुझसे कि सर किसके रेफरेंस से, कहाँ से डिस्टेंस मालूम करना चाह रहे हैं। तो कंसिडर कर लो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं डिस्टेंस मालूम करना चाह रहा हूँ, तो कंसिडर कर लो 4 फुट मेरा डिस्टेंस है। तो अभी आप लोग क्या बोलोगे, सर आपका डिस्टेंस 4 फुट है, लेकिन अगर मैं रेफरेंस चेंज कर दूं, मैं उस रेफरेंस को हटा दूं, मैं थोड़ा दूर ले जाऊं, अब मेरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 या 10। तो आप लोग ये बोलोगे सर डिस्टेंस कैसे चेंज हो गया, आप तो अपनी जगह पे। तो मैं ये बोलूंगा भाई मैं अपनी जगह पे, आपने रेफरेंस चेंज कर दिया है, पहले रेफरेंस यहाँ पे था, अब रेफरेंस वहां पे ले गयो, मैं नहीं हिला लेकिन डिस्टेंस में फर्क पड़ गया क्योंकि रेफरेंस आपका चेंज। ये वही चीज है, आपका एक्सिस पी और क्यू अपनी जगह पे मौजूद है, उनमें कोई चेंजिंग नहीं की, लेकिन जो उनके कोऑर्डिनेट्स आप किसी चीज के मालूम करते हो, रेफरेंस से मालूम करते हो ना, दुनिया में अगर आप बोलते हो कि यार कराची जो है वो समंदर से नीचे है, समंदर ही क्यों आप लेते हो, दुनिया में एक एक रेफरेंस फिक्स कर दिया गया है कि जो भी चीजों की आपने हाइट मालूम करनी है वो सी लेवल से आप करोगे, जितने आपके माउंटेन मेजर होते हैं, जितनी आपकी जगहों की हाइट मेजर होती है, उनका रेफरेंस क्या होता है, सी लेवल, सी लेवल से कितना ऊपर है, क्योंकि रेफरेंस आपने रख दिया, रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले क्यू का रेफरेंस था ये वाला एक्सिस, तो इस एक्सिस से एंगल क्या बन रहा था, पूरा अल्फा बन रहा था, तो इसके कोऑर्डिनेट्स थे कॉस अल्फा कॉस बीटा। लेकिन अब जो मैं क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ ना, वो इस एक्सिस के मुताबिक निकाल रहा हूँ, मतलब रेफरेंस मैंने अपना चेंज कर दिया। जब रेफरेंस चेंज होगा डेफिनेटली कोऑर्डिनेट्स भी चेंज होंगे, क्लियर हुई मेरी बात। यस सर। अब बताओ कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सर कॉस अल्फा बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा। एक्सीलेंट भाई, और इसकी कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने कल बताया था, जो आज की क्लास में मैंने डिस्कस किया कि भाई यूनिट सर्किल पे अगर आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, कॉस, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, साइन। कॉस और साइन किस एंगल का, जो वो एक्स एक्सिस से बना रहा होगा, ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस से क्या एंगल बना रहा है, अल्फा माइनस बीटा। तो सिंपल एक्स वैल्यू क्या होगी, कॉस अल्फा माइनस बीटा, वाई वैल्यू होगी साइन अल्फा माइनस बीटा। अगर ये पॉइंट समझ आ गए फिर डेरिवेशन समझ आ गई, अब तो वैसे वो मैथमेटिकल वर्क है। सबको समझ आ गई मेरी बातें, किसी का कोई सवाल यहाँ तक, क्योंकि कुछ बच्चे खामोश बैठे हैं, जैसे इरम खामोश है, ईशा और महरीन, ये सब खामोश बैठे हैं, तो आप लोग अगर बोल सकते हो तो बोल के बता दो सर समझ आ गई। जी सर आ गई। सही, इतनी आवाजें ठीक है, मतलब बाकी नहीं बोलेंगे। अच्छा तो बस सही है, दैट्स इट। अब आपने क्या करना है, पुराने एक्सिस के मुताबिक, पुराना जो एक्स और वाई एक्सिस था उसके मुताबिक पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस ये था। अब आप क्या करोगे, न्यू एक्सिस के मुताबिक पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस निकालोगे, और वो दोनों डिस्टेंस क्या होंगे आपस में, बराबर। क्यों, पी और क्यू में कोई फर्क मैंने किया नहीं, तो पहले वाला डिस्टेंस और अभी वाला डिस्टेंस में फर्क क्यों होगा, तो बराबर होंगे आपस में। फर्क तो उस वक्त आता जब मैं क्यू और पी को छेड़ता, मैंने तो उनको नहीं छेड़ा,
इसका मतलब जो पहले एक्सिस के मुताबिक डिस्टेंस था, दूसरे एक्सिस के मुताबिक भी डिस्टेंस वही होगा, ठीक है। तो मैं इन दोनों डिस्टेंस को आपस में क्या करूंगा, इक्वल कर दूंगा, सही है। तो जरा दूसरे एक्सिस के मुताबिक डिस्टेंस निकालते हैं। नहीं, मैं कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो क्यू प्राइम है उसके मुताबिक कोऑर्डिनेट्स क्या है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब जरा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। अब आपका एक्स वन वाई वन क्या होगा बच्चों? अब पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, न्यू एक्सिस के मुताबिक पी के कोऑर्डिनेट्स है 1, 0। तो ये आपका होगा एक्स वन, ये होगा वाई वन, और क्यू के कोऑर्डिनेट्स ये होगा एक्स टू, ये होगा वाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन क्या है 1 के बराबर, माइनस एक्स टू क्या है कॉस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर। इसी तरह वाई वन, और जो वाई वन यहाँ पे जीरो है, लिखो ना लिखो बात एक ही है, माइनस वाई टू, वाई टू क्या है यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा, वाई वन माइनस वाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों दोनों डिस्टेंस है इनको आपस में इक्वल रखना है, और इक्वल रख के आपको सारी वर्किंग करनी है। तो जरा इक्वल रखते हैं इनको आपस में, दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर है, इक्वल रखो। लेफ्ट हैंड साइड पे आप ये रखो, राइट हैंड साइड पे रखो। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, इसको आपने इक्वल रखना है इस वाले डिस्टेंस के, और ये वाला डिस्टेंस क्या था 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। जीरो को हटा दो, माइनस का जब आप स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस को इग्नोर कर देते हैं। पीछे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, जब साइन का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। तो इन दोनों डिस्टेंस को मैंने आपस में क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। उसके बाद क्या करना है, देखो दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, सही है, दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग करो। जब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे तो दोनों तरफ रूट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब स्क्वायरिंग करोगे, अच्छा ये काम ना पेपर में आपने प्रॉपर स्टेप वाइज करना है, ठीक है। वर्डिंग आप लोग बुक से देख लो कि यहाँ पे करने के बाद आप लिखोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, दोनों के रूट हटा दोगे। स्क्वायरिंग करने से इसका भी रूट हट गया और इसका भी रूट हट गया। अब आपके पास सिंपल ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब आपने इनको आपस में सॉल्व करना, किस तरह सॉल्व करेंगे जरा देख लो, जरा सॉल्व करो, इसको फॉर्मूला लगाओ ए माइनस बी होल स्क्वायर का, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए जो है वो कॉस बीटा है, बी जो है वो कॉस अल्फा है। तो एग्जैक्ट मैंने फॉर्मूला लगा दिया, जिस स्टेप में मसला पूछ लेना। यहाँ पे आओ ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये बच्चों लेफ्ट हैंड साइड पे आपने सिंप्लीफिकेशन कर दी है, इक्वल टू। अब राइट हैंड साइड पे करते हैं अगेन। अगर आप इसमें देखो ए यहाँ पे क्या है 1 के बराबर, और बी आप ले लो कॉस अल्फा माइनस बीटा को, तो अगेन फॉर्मल लगाओ ए माइनस बी होल स्क्वायर का, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, प्लस ये वाली टर्म एज़ इट इज़ आ जाएगी साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा जी, कल मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, यूनिट सर्किल करवाने के बाद मैंने आपको बताया था कि ये एक आइडेंटिटी होती है, इसको हम बोलते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है बच्चों, वन के बराबर। बहुत ही काम की चीज है, याद रखना है इसको। इसको मैं, अगर आप लोग ऑब्जर्व करो, मैं इसको इक्वेशन नहीं बोलता, मैं इसको आइडेंटिटी बोलता हूं हमेशा। तो ये आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी क्या होता है किसी ने सोचा नहीं है, सोचो क्या हो गया आइडेंटिटी, ये है ना चैप्टर का नाम, हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। भाई देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या कोई भी, अगर आप रैंडम बोलते हो ना आइडेंटिटी, तो दो किस्म की इक्वेशंस होती हैं, एक को आप बोलते हो कंडीशनल इक्वेशन, एक को आप बोलते हो आइडेंटिटी इक्वेशन, या खाली आइडेंटिटी हम बोल देते हैं। तो कंडीशनल इक्वेशन में और आइडेंटिटी में फर्क क्या होता है,
नॉर्मल अगर आपके पास कोई इक्वेशन होती है ना, तो वो किसी एक या दो वैल्यूज पे सेटिस्फाई हो रही होती है. जैसे अगर मैं आपके सामने लिखूं 2x = 4, यहाँ पे मैं ऐसी x की कौन सी वैल्यू पुट करूं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए. टू x की जगह सर आप यहाँ पे 2 पुट करें, 2 2 4, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी. इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ना, अच्छा अगर मैं x की जगह 3 पुट करूंगा काम नहीं करेगी, 4 पुट करूंगा काम नहीं करेगी. इसका मतलब ये इक्वेशन किसी खास वैल्यू पे ठीक है, या कुछ इक्वेशन ऐसी होंगी जिसमें आप कोई दो वैल्यूज पुट कर दो. जैसे अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, अब आप 2 पुट कर लो या -2 पुट कर लो, दोनों पे आपकी सेटिस्फाई हो रही होगी. मतलब एक दो या तीन वैल्यूज पे आपकी इक्वेशन ठीक है, कोई और वैल्यूज पुट करो तो इक्वेशन गलत हो जाएगी. तो उसको हम बोलते हैं कंडीशनल इक्वेशन, कि किसी खास कंडीशन पे ठीक है वो. जबकि ये जो इक्वेशन है ना, ये आइडेंटिटी है. क्यों? ये अल्फा की हर वैल्यू पे सेटिस्फाई हो रही है. क्या मतलब इसका? कैलकुलेटर अपना निकालो, कैलकुलेटर में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लिखो. इसका एक्टिविटी करने का तरीका क्या है? जब आप, अच्छा मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है, बल्कि मैं खुद ही बताऊंगा आप लोगों को. बिलफर्ज अगर आपने कैलकुलेटर में निकालना हो ना साइन स्क्वायर 30, तो कैलकुलेटर 30 डिग्री की बात कर रहा हूँ, तो कैलकुलेटर में ना निकालने का तरीका क्या होगा? क्योंकि ये स्क्वायर कैलकुलेटर में इधर नहीं आता, कैलकुलेटर में कैसे पुट करोगे? कैलकुलेटर में आप बटन दबाओगे साइन का, तो कैलकुलेटर बाय डिफॉल्ट आपको ये देगा. फिर आप पुट करोगे 30, फिर आप ब्रैकेट क्लोज करोगे और फिर स्क्वायर का बटन दबाओगे. तो कैलकुलेटर में ये जो लिखने का तरीका है ना, ये बराबर है इसके. साइन स्क्वायर 30 को कैलकुलेटर में इस तरह लिखा जाता है कि आप एंगल को बंद करो, उसके ऊपर स्क्वायर लगाओ. कैलकुलेटर में ऐसा कोई बटन नहीं है जो 2 यहाँ पे लाएगा, इसलिए बता रहा हूँ. तो ये जो आप लिखते हो ना इसको इस तरीके से, कैलकुलेटर में इसको इस तरीके से लिखेंगे, सही है? इसमें गलती क्या होती है बच्चे, आमतौर पर जो स्क्वायर है ना, ये इधर लगाते हैं, 30 लिखने के बाद यहाँ पे स्क्वायर लगा देते हैं. ये गलत चीज है. इसका मतलब क्या है कि आप पहले एंगल का स्क्वायर करो, उसके बाद उसकी साइन वैल्यू लो. जबकि हमें क्या करना था, हमें साइन की 30 वैल्यू लेनी थी और उस वैल्यू का स्क्वायर करना था. वैल्यू का स्क्वायर करने के बजाय आपने एंगल का स्क्वायर कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा. तो कैलकुलेटर में ना आप इस तरह पुट करोगे, सही है? अच्छा अगर आपने चीज को प्रूव करना है ना, आप कैलकुलेटर में इस तरह फॉर्मेट बनाओ. आप लिखो साइन का बटन दबाओ, ये आएगा. फिर आप कुछ भी पुट नहीं करना, वैसे ब्रैकेट क्लोज कर देना, इसके बाद स्क्वायर लगा देना. प्लस तो कॉस का बटन दबाना, कैलकुलेटर ये देगा. अपनी तरफ से ब्रैकेट लगाना, स्क्वायर लगा देना. जब ये फॉर्मेट बना लो, उसके बाद इस ब्रैकेट में आप दुनिया की कोई वैल्यू पुट कर दो. आप यहाँ पे 10 डिग्री पुट कर दो दोनों तरफ, आप यहाँ पे 50 डिग्री पुट कर दो, आप यहाँ पे कोई नेगेटिव एंगल पुट कर दो, -50 -50, सेम ही पुट करना, एंगल सेम ही होगा. -50 -50, आप दुनिया जहां की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आपको हमेशा 1 मिलेगा. करके देख लेना. तो दैट्स वाइज को आइडेंटिटी बोला जाता है, कि आप कोई भी वैल्यू पुट कर दो, भाई ये लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड आपस में बराबर है. लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं था, ये फर्क आपको मिलेगा. पूरी मैथ सीख रहे हो तुम लोग, फर्स्ट ईयर नहीं सीख रहे खाली. जरा इस चीज को नोट करना, कि अपना गला दुखा दुखा के ना एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, इसको याद रखना. अच्छा जी, तो ये जो आपने कल पढ़ी थी ना, तो ये असल में बताना क्या चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि जब इनके एंगल अगर सेम होंगे ना, तो ये चीज हमेशा क्या होगी, बन के बराबर. हाँ अगर एंगल अलग हो गया, यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे बीटा है, अब ये बराबर नहीं होगी. तो एज फार एज इनके एंगल इक्वल है, तो ये चीज हमेशा क्या होगी, बन के बराबर. तो अब यहाँ पे हम जरा देखते हैं. ये देखो लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर बीटा और ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर बीटा. तो अगर मैं इसको, अब बुक ने ना इनको ऑर्डर वाइज लिखा हुआ है, आप इसको नेक्स्ट स्टेप में ऑर्डर में लिख देना. कैसे? सबसे पहले कॉस स्क्वायर बीटा लिखना, फिर साइन स्क्वायर बीटा लिखना. आपने अभी पढ़ा है कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बीटा को ऐड करोगे, तो इन एडिशन पे आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? 1. साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या होता है? 1 के बराबर. तो अगर आप इन दो टर्म को देखो, इन दो जब ऐड करोगे, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. तो लेफ्ट हैंड साइड पे इधर 1 आ गया, पीछे क्या बचेगा? -2 cos α cos β. इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे ये भी टर्म है आपकी, ठीक है? अब आप देखो ये लिखा हुआ है cos स्क्वायर अल्फा, ये लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे. बेसिकली 6 टर्म है आपके यहाँ पे, 3 1 2 3 ये है और 3 ये है. तो इसको और इसको आपने ज्वाइन करके बोला था कि 1 के बराबर है. इसी तरह cos स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, जब इन दोनों को आपस में ऐड करोगे, ये भी क्या हो जाएंगे? 1 के बराबर. इन दोनों को आपस में ऐड करो, रिजल्ट क्या आएगा? 1 के बराबर. तो एक और 1 आ गया. पीछे क्या बचेगा? पीछे ये वाले टर्म बच जाएगी, -2 sin α sin β. तो ये बच्चों आपने लेफ्ट हैंड साइड पे सिंप्लीफिकेशन कर ली. अब राइट हैंड साइड पे आओ. इक्वल के बाद राइट हैंड साइड पे क्या है? अगेन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, एंगल देखो सेम ही है दोनों के. तो अगेन ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? 1 के बराबर. 1 1 ऑलरेडी मौजूद है, 1 1 यहाँ पे भी है, तो 2 हो जाएंगे. तो यहाँ पे आप लिखो 2 और पीछे क्या बचेगा? -2
कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये आपकी राइट हैंड साइड है। कोई मसला यहां तक? नो सर। अच्छा अगर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे भी टू है, वन और इस वन को ऐड करोगे ना तो रिजल्ट में क्या आएगा? टू आएगा। तो मैं एक ही जगह टू लिखता हूँ। ये सब स्टेप यार, अब देखो बच्चे तो हो नहीं ना आप लोग, मैं डेरिवेशन प्रॉपर तरीके से लिखवाऊं फिर समझाऊं टाइम काफी लग जाता था, तो अभी समझने में मैं फोकस करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये टू टू मतलब वन और वन को ऐड किया टू आ गया। अब हमने पढ़ा हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे अगर सेम टर्म्स हो आपस में कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे भी टू है और राइट हैंड साइड पे भी टू है, तो दोनों टू आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या बचेगा? इसके बाद आखिरी सेट है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो दो टर्म बचेंगी। आप क्या करो, दोनों में टू कॉमन आ रहा है, माइनस टू कॉमन ले लो। जब माइनस टू कॉमन लोगे क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, जब माइनस टू आपने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। ये है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा? माइनस टू कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, दोनों तरफ आप देखो माइनस टू कॉमन है, आपस में कैंसिल करती है, और पीछे क्या बचेगा? कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ये है बच्चों डेरिवेशन फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। और मैं आपको जरा बुक की वर्डिंग में थोड़ा बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है उन्होंने। डेरिवेशन उम्मीद है आप लोगों ने समझ ली है। तो बुक ने क्या लिखा हुआ है? कंसीडर अ यूनिट सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन, ओरिजिन पे सेंटर था। लेट पी कॉस बीटा साइन बीटा एंड क्यू कॉस अल्फा साइन बीटा बी एनी टू पॉइंट्स ऑन द यूनिट सर्कल। तो शुरू में मैंने पी और क्यू के आपको कोऑर्डिनेट्स बताए थे, वो उन्होंने बोला कि लेट कर लो। उसके बाद लिखा हुआ है देन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ये वाला स्टेप लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है नाउ रोटेट द एक्सिस सो दैट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट पी। वो कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस को रोटेट करो इस तरीके से कि जो पॉजिटिव वाला एक्स एक्सिस है ये बिल्कुल पी से पास करें, वो जो मैंने आप लोगों को बताया था। फिर लिखा हुआ है देन विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब चेंज करने के बाद जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके रिस्पेक्ट से पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1, 0 और ये जो मैंने आप लोगों को बताया। तो कोई एक्स्ट्रा वर्डिंग है ही नहीं, जो आप लोगों ने बस लेट किया है ना वो वर्डिंग बेसिक बेसिक से आपको लिखनी है। उसके आगे तो वर्किंग है सारी। फिर इसके आगे उन्होंने लिखा हुआ है सो, मतलब न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक उन्होंने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है। फिर लिखा हुआ है बाय कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, इसको उन्होंने वन बोल दिया इसको उन्होंने टू बोल दिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि आपस में कंपेयर करो, इसलिए क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है ना, तो जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम हो तो दोनों की राइट हैंड साइड को आपस में इक्वल कर दो, जो मैंने यहाँ पे इक्वल किया है। और इसकी रीजन मैंने आपको बताई थी कि कोऑर्डिनेट बेशक चेंज कर दिए लेकिन पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, तो पहले वाले और न्यू वाले के मुताबिक सेम ही रहेगा आपका डिस्टेंस, कोई फर्क नहीं रहेगा। और फिर वही वर्किंग है, एट द एंड उन्होंने फंडामेंटल लॉ प्रूव कर लिया। तो देखो डायरेक्ट इसका कोई तरीका नहीं था, अगर मैं आपको बोलूं कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालो, डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है, वो वाला काम नहीं कर सकते कॉस को अल्फा पे करो कॉस को बीटा पे करो, वो अलाउड नहीं है। लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो हल चाहिए, फिर हमने सब मैथमेटिकल स्टेप्स करके एंड पे एक फॉर्मूला बना दिए। अब हमारे पास काफी ईजी हल है कि बिलफर्ज अगर आप यहाँ पे निकालना चाह रहे हो कॉस 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, मतलब दो एंगल आपस में ऐड हो रहे हैं, पहले हमें नहीं पता क्या करना था क्योंकि हम अलग अलग तो नहीं कर सकते थे ना, कॉस 30 कॉस 40 कॉस 45 वो नहीं कर सकते थे। लेकिन अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, हम कहेंगे इसको लेट कर लो ये अल्फा है, इसको लेट कर लो ये बीटा है। और अभी प्लस है ना, प्लस वाला फॉर्मूला भी आप लोग पढ़ोगे, ये तो नेगेटिव वाला है ना, अभी प्लस वाला भी पढ़ोगे, तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम और वैल्यूज निकाल लेंगे। तो ये फंडामेंटल लॉ है जिसकी एप्लीकेशन आपको काफी अभी नजर आएंगे। पूरी डेरिवेशन कंप्लीट है, कोई सवाल है तो पूछ लो। अच्छा बच्चों आप अगर आप बुक में देखो ना तो उन्होंने काफी फॉर्मूले जो एग्जाम्पल्स को छोड़ दो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक एग्जाम्पल्स हम नहीं करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज में एक्जैक्टली वही लिखी हुई है, यहाँ ना कोई वर्ड प्रॉब्लम है ना कोई ऐसे मुश्किल सवाल है जो आप लोगों को मैं बताऊँ एग्जाम्पल से, इसलिए हम डायरेक्ट 10.1 को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले जो फंडामेंटल लॉ है ना, इससे आपने बाकी फॉर्मूले निकाले हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इस टॉपिक का नाम है डिडक्शन फ्रॉम फंडामेंटल लॉ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या लिखा है उसमें, डिडक्शन फ्रॉम द फंडामेंटल लॉ। जो फंडामेंटल लॉ है इसको आप ये समझ लो कि फंडामेंटल लॉ से हमने क्या नतीजा निकाला था। तो फंडामेंटल लॉ सारे जो मैं भी फॉर्मूले आप लोगों को बताने लगा हूँ ये सब बुक ने वेरीफाई किए, मैं सबके प्रूफ दिए हैं, जिसको शौक हो पढ़ लो, हर चीज मैं नहीं बता सकता आप लोगों को, लेकिन इतना मैंने बता दी जो मैं फॉर्मूले लिखने लगा हूँ सब प्रूफ बुक में लिखे हैं, पेपर में प्रूफ नहीं आते बाकी के छोटे छोटे फॉर्मूलों के प्रूफ नहीं होंगे, बस फंडामेंटल लॉ का आ सकता है। ठीक है, बाकी छोटे अगर जो मैं लिखने लगा हूँ अगर आप लोगों को चाहिए बुक में मिल जाएंगे आप। ठीक है,
तो यहाँ पे हम तकरीबन अभी फिलहाल आज की क्लास में तीन किस्म के फॉर्मूले पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं। और ये सब आए कहाँ से, फंडामेंटल लॉ से आए हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई बोला जा रहा है डिडक्शन फ्रॉम फंडामेंटल लॉ। सबसे पहले किस्म के फॉर्मूले आपने देखने, वो ये है कि बिलफर्स अगर कॉस के अंदर कोई नेगेटिव एंगल आ जाए, कॉस माइनस थीटा, तो ये किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के बराबर ही होगा। इसका मैं भी फायदा बताता हूँ। फायदा ये है कि बिलफर्स अगर आपके पास लिखा हो कॉस माइनस थर्टी बराबर होगा कॉस थर्टी के। कैलकुलेटर आप लोगों के पास है, मेरी ना सुनो कैलकुलेटर की देख लो, कैलकुलेटर में कॉस माइनस थर्टी निकालो कॉस थर्टी निकालो, सेम आंसर आएगा, रूट थ्री अपॉन टू, ठीक है। तो कॉस के अंदर अगर नेगेटिव आ भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव है उसको इग्नोर कर दो, कॉस माइनस थर्टी किसके बराबर होगा, कॉस थर्टी के, वैल्यूज इनके आपस में बराबर होंगी। यही प्रॉपर्टी सेक की भी होती है जो इसका रेसिप्रोकल है। सेक की अगर आप देखो, सेक की भी प्रॉपर्टी है कि अगर नेगेटिव आ जाए तो कोई फायदा नहीं, इग्नोर कर दो नेगेटिव को, बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर ये साइन के साथ आए, क्या अगर साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो अब आप माइनस को इग्नोर नहीं कर सकते, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा माइनस साइन थीटा के, इसके बराबर होगा। अब आप ये नहीं कर सकते कि माइनस को इग्नोर कर दो ये आपस में बराबर होंगे, नहीं, कैलकुलेटर में वेरीफाई कर लेना। आप कैलकुलेटर में लिखना साइन माइनस थर्टी और कैलकुलेटर में लिखना साइन थर्टी। साइन थर्टी आपके पास आ रहा होगा वन अपॉइंट टू, जबकि साइन माइनस थर्टी आ रहा होगा माइनस वन अपॉइंट टू। तो अब ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। अगर आपने इनको बराबर करना है तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, अब ये आपस में बराबर होंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में जब साइन के अंदर नेगेटिव आता है ना, उसको इस तरह समझो कि नेगेटिव को हम बाहर निकाल देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में आप लोग इस तरह समझ लो। और जो उसका रेसिप्रोकल है उसके साथ भी ये होगा, कोसेक के साथ, कि माइनस आप बाहर लिख दोगे। मैं जानबूझ के कोसेक की इवन नोटेशन यूज कर रहा हूँ, बुक में उन्होंने कोसेक लिखा होगा, शॉर्ट फॉर्म ये भी होती है, तो ये आप लोगों को बताने के लिए मैं ये वाली नोटेशन लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में जाके। सेम प्रॉपर्टी बच्चों टेंजेंट के अंदर भी होती है, अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव को बाहर निकाल दो। इसी तरह इसका जो रेसिप्रोकल है उसके अंदर भी ये है। अब ये सारे प्रूफ बुक में लिखे हुए हैं, देख लेना अगर किसी को शौक हो। तो पहले किस्म के फॉर्मूले आपको ये पता होने चाहिए। अब दूसरी किस्म के क्या है, दूसरी किस्म के जो फॉर्मूले बताने लगा हूं ना, ये आप फंडामेंटल लॉ से भी निकाल सकते हो, या इनका एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट से भी आप मालूम कर सकते हो, दोनों तरीके, ठीक है। वो ये है कि मैं लिखता हूँ, इनको हम कहते हैं को फंक्शन। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैं फॉर्मूलों की शक्ल में लिखवाता हूँ आप लोगों को, कि बिलफर्स साइन लिखा हुआ है ना, साइन पाई बाय टू माइनस थीटा, ये बराबर होगा कॉस थीटा के। अब जी मुझे कैसे पता चला, सबसे पहली बात को फंक्शन कौन कौन से हैं, को फंक्शन है साइन और कॉस, मैं लिखवा देता हूँ, साइन कॉस, टेंजेंट कॉट और कोसेक। अब इनको को फंक्शन बोला क्यों जा रहा है, क्या मतलब है को फंक्शन का, को फंक्शन भी बोला जाता है, को रेशो भी बोला जाता है, बुक में वर्डिंग शायद नहीं है इसकी। होता यह कि ये जो फंक्शन है ना, जैसे साइन और कॉस की एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप इनके अंदर साइन और कॉस के अंदर कुछ ऐसे एंगल पुट करो जिनका सम 90 डिग्री के बराबर हो, तो इनकी वैल्यूज आपस में इक्वल होगी। क्या मतलब, आप कैलकुलेटर में पुट करके देख लेना, बिलफर्स साइन 9 डिग्री जो है ये बराबर होगा कॉस 81 डिग्री के, चेक कर लेना। क्यों, 9 और 81 को आपस में ऐड करो तो क्या आता है 90। तो अगर आप इन दोनों के अंदर कुछ ऐसे एंगल पुट करो जिनका सम जो है वो 90 डिग्री आए, तो इनकी वैल्यूज आपस में बराबर होगी। आप एक खेलते रहो, कैलकुलेटर है खेलते रहो, आप लिखो साइन 53 डिग्री ये बराबर होगा कॉस 47 के, 37 के। क्यों, 37 और 53 को आपस में ऐड करो 90 डिग्री आएगा, तो ये वैल्यूज आपस में बराबर होंगी, चेक कर लेना। तभी मैंने आप लोगों को जो लास्ट क्लास में याद करवाया था ना, मैंने बोला था साइन 60 डिग्री जो है वो बराबर है कॉस 30 के, वो यही तो वजह थी। इसी तरह साइन 30 बराबर है कॉस 60 के, क्योंकि को फंक्शन है, एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर है, और जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर होता है उसमें क्या बोलते हैं मैथ में उसको, एक्सीलेंट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ये पता होना चाहिए, बेसिक ज्योमेट्री है। ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो एक वो फंक्शन का कॉन्सेप्ट यही है जो बुक में लिखा हुआ है, बुक में इसको ना प्रूफ करवाया हुआ है फंडामेंटल लॉ से, वहां से ही प्रूफ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट इनका बता रहा हूँ कि साइन और कॉस जो है को फंक्शन है। अब अगर आप देखो इनमें एंगल जो है इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर है ना, पाई बाय टू क्या होता है 90 डिग्री होता है। अच्छा आप लोगों को ना मैंने, मुझे कल याद करवाना, आज तो इतना टाइम नहीं है, डिग्री और रेडियन के दरमियान भी कन्वर्जन मैं आपको बता दूंगा,
आमतौर पर बच्चों को पता नहीं है, पाई बाय थ्री कितने डिग्रीज के बराबर होता है? डायरेक्ट याद नहीं है, निकाल रहे होगे तुम लोग। पाई बाय थ्री मल्टीप्लाई करते हैं, 60. 1/8, हाँ 60 के बराबर होता है। तो ये फिंगर टिप्स से आप लोगों के सबके होना चाहिए। तो कल अगर मौका मिला मैं आप लोगों को बता दूंगा। पाई बाय थ्री, पाई बाय टू, ये तो ईजी है ना। लेकिन अगर आ जाए 4π/5, नहीं 4π/6 कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2π/3 बन जाएगा। ये 2π/3 क्या होता है, इसी तरह अब 4π/3 क्या होता है। कहने का मतलब ये, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी में, कोई आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं। मैंने बताया था ना, रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180/π से करते हो, कोई जरूरत नहीं है उसकी। मैं एक तरीका बताऊंगा, डायरेक्ट आप याद कर सकोगे, वो इंशाल्लाह कल बता दूंगा, वरना फिर ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं होगा। मान ले जो पाई बाय टू है ना, ये 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री भी आप लिख सकते हो, पाई बाय टू भी लिख सकते हो, एक ही बात है, तो यूनिट का फर्क है बस। बुक ने लिखा हुआ था इसलिए मैंने भी लिख दिया। तो अगर आप इन दोनों एंगल को ऐड करो तो ये 90 डिग्री के बराबर है ना। पाई बाय टू माइनस थीटा, और ऐड करो थीटा के अंदर, तो रिजल्ट क्या आ रहा है, पाई बाय टू। ये इनको इधर भी लिख सकते हो, जैसे 81 है ना, मैं 9, यहाँ पे 9 लिखा हुआ, मैं 81 को कैसे लिख सकता हूँ, मैं 81 को इस तरह लिख सकता हूँ, 90 माइनस 9, इस लैंग्वेज में। कि अगर यहाँ पे 9 डिग्री है तो यहाँ पे क्या एंगल होना चाहिए, 90 में से माइनस कर दो 9 को, तो 90 में से 9 को माइनस करेंगे 81 आएगा। तो उसी फॉर्म में इन्होंने एग्जैक्ट लिखा हुआ है। तो ये आपको नजर आएगा साइन कॉस के अंदर, टेंजेंट कॉट के अंदर, सेक कॉसेक के अंदर, वो मैं आपको लिखवाने लगा हूँ। ठीक है, तो साइन की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो या कॉस की फॉर्म में भी लिख सकते हो कि कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। दोनों तरफ से बात की जा सकती है ना। अब टेंजेंट कॉट की बात करते हैं, टेंजेंट पाई बाय टू माइनस थीटा बराबर होगा कॉट थीटा के। इसी तरीके से कॉट पाई बाय टू माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेंजेंट थीटा के, दोनों तरीके से। इसी तरीके से सेक पाई बाय टू माइनस थीटा बराबर होगा कॉसेक थीटा के, और कॉसेक पाई बाय टू माइनस थीटा बराबर होगा सेक थीटा के। तो ये एक सेट ऑफ फॉर्मूले है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, सब याद होना चाहिए, सब इस्तेमाल होंगे। कल हमारी 10.1 इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी, तो उसमें सब इस्तेमाल होंगे। अच्छा, उसके बाद एक तीसरी किस्म के फॉर्मूले हैं जो बुक ने लिखे हुए, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, फॉर्मूला लिखवाने का टाइम नहीं है, नमाज होने वाली है। मैं आप लोगों को लिस्ट बना के दे देता हूँ, बुक में सारे लिखे हुए, तो इनकी राइट हैंड साइड कंप्लीट कर लेना, मैं लेफ्ट हैंड साइड बता रहा हूँ। जो फंडामेंटल लॉ था ना, उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, कॉस अल्फा माइनस बीटा, यही थी ना। ये फंडामेंटल लॉ था, इक्वल टू राइट हैंड साइड आप लोगों को मैंने बताई थी, लिख लेना बाद में। इन सबको याद करना ऑर्डर वाइज आप लोगों ने। इसी फंडामेंटल लॉ से आपने ये वाला फॉर्मूला भी बनाया हुआ है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। फर्क क्या है, इस फॉर्मूले में दरमियान में पॉजिटिव आता था, इसमें नेगेटिव आएगा। इसका फॉर्मूला क्या था, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसमें और उसमें फर्क क्या, प्लस माइनस का बस, और कुछ फर्क नहीं है। तो इसको इस तरह याद रख सकते हो, अगर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा इसके फॉर्मूले में, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो देखना इसके फॉर्मूले में नेगेटिव आ रहा होगा। तो इस तरह भी अगर आप निशानी याद रखना चाहो तो रख सकते हो। फिर आप लोगों को बुक में मिल जाएंगे, चैप्टर नंबर 10 में सारे मिल जाएंगे, बुक में लिखे हैं, नोट कर लेना। फिर आप लोग पढ़ोगे साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। अगेन इसका फॉर्मूला याद रख लेना, तो दूसरा खुद ही याद हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, इसका याद रख लेना। इसमें फर्क क्या होगा, इसमें दरमियान में पॉजिटिव आ रहा होगा, इसमें दरमियान में नेगेटिव आएगा, दैट्स इट, और कोई फर्क नहीं है। तो एग्जैक्ट इस फॉर्मूला याद रखना, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो साइन कॉस के हो गए। फिर टेंजेंट का आपने याद रखना है, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, और फिर रखोगे टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। मैं इसका फॉर्मूला लिखवाता हूँ ताकि एक चीज बतानी है। इसका फॉर्मूला होगा टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, ये फॉर्मूला होगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऊपर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, एक सेकेंड। टेंजेंट 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 पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यही टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। इसको याद रखने का तरीका, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव आएगा और नीचे नेगेटिव आएगा, और फॉर्म याद कर लेना। फॉर्म क्या है, टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, नीचे है 1 टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। ठीक, सेम इसका फॉर्मूला भी ये होगा, बस इसमें फर्क क्या है, अब ऊपर नेगेटिव आएगा और नीचे पॉजिटिव आएगा। तो एक ही काम याद रखना, फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला आपको एक ही याद रखना है, दूसरा खुद ही याद हो जाएगा। और आखिरी है कॉट अल्फा माइनस प्लस बीटा और कॉट अल्फा माइनस बीटा,
सैक और कोसैक के फॉर्मूले लिखे हुए नहीं है, इनके फॉर्मूले हैं, जरा निकालो। इसका भी एक फॉर्मूला है, बुक में देख लेना। अगेन वही बात है, फ्रैक्शन आ रही होगी यहाँ पे, ठीक है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा होगा, नीचे पॉजिटिव आ रहा होगा, ठीक है। उल्टा है, जैसे यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर ऊपर पॉजिटिव है तो यहाँ पे ऊपर नेगेटिव आएगा और नीचे पॉजिटिव होगा, और इसके फॉर्मूले में क्या होगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, एक ही फॉर्मूला याद रखना, दूसरा खुद ही याद हो जाएगा। तो सब निशानी मेरा काम था, मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है।